बारिश हो या ठंड का मौसम, हमें कुछ ना कुछ गर्मा गर्म लेकिन हेल्दी खाने का मन करता ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आटे का हलवा। इसे हम गुड़ से बनाएंगे और ये हलवा काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनता है। आटे का हलवा आज हम कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं, लेकिन यकीन मानना ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक इसकी धीमी धीमी सी खुशबू नहीं आती तब तक हमें इसे भून लेना है और कम आंच पे ही इसे भून लेना है। तो ये गेहूं का आटा अच्छे से भून चुका है तो इसको मैंने निकाल दिया है। सेम उसी पैन में मैंने एक चम्मच घी लिया है। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें काजू, किशमिश, बादाम और पम्पकिन के सीड्स डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हमें पकाना है। थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें इसे निकाल देना है। सेम उसी पैन में मैंने फिर से वही गेहूं का आटा डाल दिया है जिसे हमने भुना था, क्योंकि पैन में थोड़ा सा घी लगा हुआ था तो वो गेहूं के आटे में अच्छे से लग जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क। ये मिल्क मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो सेम वही मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है और मिक्स करते जाना है। एकदम से अगर हम डालेंगे तो मिक्स करने में प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। हलवा बनाते वक्त कम आँच पे ही बनाएं, नहीं तो हलवा जल सकता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है हमें और अच्छे से हिलाते जाना है। तो मैंने इसमें लगभग 4 कटोरी दूध डाल दिया है और ये आपको काफ़ी लिक्विडी दिख रहा होगा, लेकिन इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। ये जैसे जैसे पकेगा वैसे ही ये गाढ़ा होता जाएगा। तो ये पक चुका है तो अभी मैंने दूसरे पैन में लिया है 1 कटोरी गुड़ का पाउडर और इसमें मैं 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है, जो भी आपके पास गुड़ है वो आप अपने हिसाब से, मतलब जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी यहाँ पे लिया हुआ है। तो हमें इसका एक कैरेमल चाहिए था, क्योंकि ये कैरेमल डालने से हमारा जो हलवा बनने वाला है वो काफ़ी टेस्टी बनेगा, इसलिए मैंने इसमें जागरी का कैरेमल बनाया हुआ है। और इसमें अभी मैंने इसको ऐड किया है और धीरे धीरे हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। गेहूं के आटे का हलवा आपने शक्कर वाला तो खाया होगा, एक बार इस तरीके से बना के देखना, गुड़ वाला काफ़ी टेस्टी लगता है ये भी। तो इसे अब मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब मैंने इसमें 1/2 कटोरी घी डाल दिया है। घी मैंने लास्ट में इसलिए डाल दिया है क्योंकि जैसे ही घी डालते हैं वैसे ही जो हलवा बना हुआ है वो पैन छोड़ना शुरू कर देता है, मतलब ज़्यादा फिर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने लास्ट में घी डाला। और जैसे घी डाला आप देख रहे होंगे इसने पैन छोड़ना शुरू कर लिया, मतलब हमारा हलवा है अभी रेडी। और ये ठंडा होता है उसके बाद भी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से डाल दिया है और हमारा हलवा है रेडी खाने के लिए। इसे आप ठंडा खाए गरम खाए, टेस्ट तो इसका लाजवाब ही है फ्रेंड्स। और हमारा हलवा है रेडी, जो कि बना है गेहूं के आटे से, जिसमें है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, दूध और गुड़ का पाउडर। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसका एक लड्डू जैसा बन रहा है, मतलब हाथ में बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। और इसको आप मुंह में डालते ये खुल जाएगा और टेस्ट इतना मस्त है क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है। तो एक बार इस तरीके से भी आप ट्राई कीजिए और बताइए आपको ये हलवा कैसा लगा। मैं अपने चैनल पे हमेशा कुछ अलग रेसिपी शेयर करती रहती हूँ जो कि खाने में टेस्टी हो और साथ ही साथ हेल्दी हो। अगर आपको भी इसी तरह की रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।